नमस्कार दोस्तों, तो आज मेरे पास एक प्रिंटर आया है कैनन का MF244DW। तो इस प्रिंटर में क्या हो रहा है कि इस प्रिंटर पे एक एरर मैसेज ऑन करते ही फ्लैश हो रहा है E202 E202 0002। और मैं इसको आपको बता भी देता हूँ हो क्या रहा है। तो जैसे हम इसको ऑन कर रहे हैं तो इसमें ये मैसेज शो हो रहा है, ठीक है। तो इसको देखते हैं कैसे रिजॉल्व करते हैं, आइए। दोस्तों ये एक प्रिंटर है हमारे पास कैनन का MF244DW। इसमें क्या हो रहा है कि जैसे हम इसको पावर ऑन कर रहे हैं तो इसमें एक मैसेज शो हो रहा है, देखिएगा। ये मैंने ऑन कर दिया है, सारी चीज़ें सही चल रही है, रिकॉग्नाइज भी हो रहा है, सब कुछ रिकॉग्नाइज हो रहा है, पर इसमें एक एरर मैसेज शो हो रहा है, ये वाला, ये देखिएगा, टर्न द मेन पावर ऑन ऑफ। तो इसको कैसे करते हैं, आइए। तो मैंने इसका साइड का पैनल खोल दिया है। पैनल खोलने के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है, साइड में स्क्रू होते हैं वो निकालने पड़ते हैं। तो अभी मेन क्या है कि हमारी जो दिक्कत है इसकी वो स्कैनर की है, और जो होती है ये वाली केबल, ठीक है। तो ये वाली केबल जब भी आप गलत लगाओगे या उल्टा लगाओगे या हो सकता है कभी प्रॉपर कनेक्टेड ना हो तो ये मेन दिक्कत आती है। तो चलो इसको पहले हम देख लेते हैं केबल में कोई इशू तो नहीं है। तो केबल चेक करते हैं, केबल तो ओके है, एक बार साफ भी कर लो इसको, ठीक है। तो हमने ये साफ कर दिया है, प्रॉपर से एक बार रीसेट कर देते हैं, इसको रिफिक्स कर देते हैं। ये केबल भी एक बार चेक कर लो, ये लगी है कि नहीं लगी है, ये सही कर दिया है। इसको प्रॉपरली आप दबा के करो, मेन जो दिक्कत होती है वो इसी से ही होती है। तो इसको अगर आपने रिजॉल्व कर लिया इसको इसके अंदर डाल देते हैं ऐसे, और ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो अब इसमें पावर लगाते हैं, ये लगा दिया हमने पावर और ये कर दिया है ऑन। अब देखते हैं इसमें क्या है, ये देखो आ गया। बस दोस्तों यही एक छोटी सी चीज़ थी जो हमें ध्यान में रखनी है, और यही आपको क्रॉस चेक करने होते हैं कि कैसे क्या होता है। और अगर आपको मेरे वीडियोस को अच्छा चाहते हैं कि आप मैं ऐसी वीडियो बनाऊं और आपको हेल्प करूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, लाइक तो बनता है यार, लाइक नहीं लाइक कर लीजिएगा, और शेयर तो कर ही दीजिए। बाकी ये वाली वीडियोस ऐसे ही मैं और बनाता रहूँगा टेक्निकल सपोर्ट से, आपको टेक्निकल चीज़ में मैं हेल्प करता रहूँगा। थैंक यू।